जिले में खान के जोबड़ा जो गांव है उसको कोटा जिला में मिलाने के लिए मैं बहुत लंबे समय से मांग कर रहा हूँ, और मेरे मांग करने के दो प्रमुख कारण रहे हैं। एक तो ये भौगोलिक दृष्टि से ये गांव कोटा जिले में होना चाहिए था, प्रशासनिक भूल रही है, उसको दुरुस्त किया जाए। और उससे जो बड़ी चिंता की बात है कि खान की झोपड़िया में दिन रात खनन होता है, और वैध खनन कम है, अवैध खनन बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर होता है। और ये पूरा क्षेत्र हमारे प्रदेश के जो खनिज मंत्री हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में है, और जब खनिज मंत्री के क्षेत्र में अवैध खनन होता है तो वह एक अत्यंत गंभीर बात है, और ये गंभीर आरोप भी होता है कि जब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ अवैध खनन हो रहे हैं तो इसका जवाब वहाँ के जनप्रतिनिधि और सरकार के खनिज मंत्री को देना चाहिए, मगर सच्चाई के सामने वो बात उनकी टिक नहीं पाती, इसलिए वो मैं जो भी मैं बात कहता हूँ या आरोप लगाता हूँ उसके बारे में वो कहते हैं कि वो सम्माननीय है और वो जो कुछ कह रहे हैं तो उनके वो अपनी जगह है, मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना। आज दो व्यक्ति अवैध खनन के लिए, एक ड्रिल मशीन जो बड़ी हुआ है वो उस क्षेत्र में अवैध खनन करने के लिए ड्रिल करते हैं ये, और उस खनन क्षेत्र में जो लीगल माइनिंग एरिया नहीं है और उसमें बारूद भरकर सारा ही प्रोसेस जो है इलीगल है, और उसमें बारूद भरकर उसको ब्लास्ट करते हैं ताकि पत्थर ढीला हो जाए, फिर उसमें दिन रात कशर चलते हैं और पत्थर की ट्रॉलियाँ और करोड़ों का जो है व्यापार अवैध रूप से हो रहा है। आज मुझे सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति मर गए क्योंकि जो मशीन ड्रिल करने गई थी वो ड्रिल करके जब वापस आई तो उसका जो है वो बार 11 केवी लाइन के जो है उसके टच हो गया और इलेक्ट्रिक्यूट होकर दो लोग बाग मरे। क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र की घटना थी तो मैं मौके पर गया, और मौके पर जाकर मैंने उस मशीन और जिस स्थान पर हुई थी उस स्थान को देखा, और उसके बाद मैं वहाँ गया जिस कार्य करने के लिए मशीन आई थी, और मैंने वहाँ जाकर जो देखा तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे इलाके को खोद रखा था, और 100 से ज़्यादा इस मशीन ने 100 से ज़्यादा वहाँ पर बोर कर रखे हैं ड्रिल करके, ताकि उसमें रात में जो ड्रिल करा रात भर, दिन में उसमें बारूद भरते और रात को उसको ब्लास्ट करके खनन कार्य की गतिविधियां चलती। ये तो क्योंकि ये मर गए इसलिए ये घटना अभी इस रूप में प्रकाश में आई, नहीं तो ये तो प्रतिदिन की दिनचर्या है। तो मैं उस स्थान पे भी गया जो बारा जिले में है जहाँ पर इन्होंने ड्रिल करे थे, उसकी तस्वीरें मैंने ली, और वहीं से मैंने जो है बारा के कलेक्टर साहब को टेलीफोन करा, IG कोटा को टेलीफोन करा, SP रूरल को उनको सूचना करी, सारे अधिकारी वहाँ पर गए, 12 के कलेक्टर भी गए, SP भी गए, और उनसे वो उन्होंने क्या देखा उसके बारे में तो वो बताएंगे, पर मैं सीधा इस मौके पर आप लोगों के समक्ष प्रदेश की जनता को कह रहा हूँ कि खनिज मंत्री जी इस अवैध खनन को करवा रहे हैं और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या मुख्यमंत्री जी से उससे इस्तीफा लेना चाहिए। दो लोगों की जान गई है और ये शर्मनाक घटना, एक जाति से भील है और एक व्यक्ति राजपूत है। इस अवैध खनन को रोकना चाहिए, और जब तक ये खनिज मंत्री है मैं नहीं मानता कि वहाँ पर ये अवैध खनन रुकेगा। मुख्यमंत्री जी जब कोटा आए थे, द्वारा आए थे, तब भी मैंने उनसे अनुरोध किया था, दुर्भाग्य से वो इस मार्ग पर आए नहीं और उन्होंने इस हकीकत को देखना पसंद नहीं किया। फिर सरकार से मांग कर रहा हूँ कि इस अवैध खनन को रोके, मंत्री जी इसके लिए जिम्मेदारी उठाए। दो लोग बाग उनके क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए या खान की झोपड़ियाँ में मरे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार मरे हैं बारा जिले में, अनेक लोग बाग दब के मर चुके हैं, मंत्री जी ने कभी उसके बारे में बोला नहीं। अभी मैं सार्वजनिक रूप से मांग करता हूँ कि ऐसे खनिज मंत्री को सरकार बर्खास्त करे, या वो खुद अपना त्यागपत्र दे। त्यागपत्र देंगे नहीं, मुख्यमंत्री जी को उसको बर्खास्त करना चाहिए। दो आदमी मरे हैं और दिन रात अवैध खनन हो रहा है, चोरियाँ हो रही है,
इसको रोका जाए। एक बात ही